आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था हमारे चैनल पे, उसके अंदर आरबी असिस्टेंट पॉजिटिव्स हमने बताए थे कि क्या इस जॉब के पॉजिटिव होते हैं और क्यों आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। लेकिन उसके बाद काफी सारे बच्चों के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए, तो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आरबी असिस्टेंट के अंदर भी कुछ एक ऐसे नेगेटिव्स होते हैं, और खास करके ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो लोगों को क्यों डरा रहा है ज्यादा फॉर्म भरने से। तो इस वीडियो के अंदर हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए गाइडली जो है वो एक प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स लेके आया है। अगर आप गाइडली के पुराने मेंबर हैं तो ये कोर्स आपको 499 रुपीज में पड़ेगा, और अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपको 599 रुपीज में पड़ेगा। आप हमारा कूपन कोड अगर JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके ऊपर मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबी असिस्टेंट की ऐसी क्या 4 से 5 चीजें हैं जो इस नोटिफिकेशन में तो बच्चों को डरा ही रही है, और खास ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो क्यों उन पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और इसका जो रिजल्ट है वो एक्सटेंड हो जाता है। देखो, सबसे पहली चीज तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर यह है कि पिछली बार के नोटिफिकेशन के कंपेरिजन में इस बार इसके अंदर वैकेंसीज काफी कम आई है, और जो मैक्सिमम वैकेंसीज आई है, हर बार भी ऐसा ही होता है कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ज्यादा वैकेंसीज आती है, लेकिन इस बार ऑलरेडी वैकेंसीज कम है और बम्बई के अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज है। तो ये अगर आप दूसरे स्टेट से इसको अप्लाई करते हैं, काफी सारे स्टेट ऐसे हैं, हमारे पास काफी कमेंट ऐसे आए कि सर हमारी स्टेट के अंदर केवल 2 वैकेंसी है, किसी स्टेट में 3 वैकेंसी है, किसी स्टेट में 1 वैकेंसी है। तो वो बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हमें दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो बच्चे, मान लो अगर आप मुंबई से अप्लाई करते भी हैं, तो जो इसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो इतना आसान नहीं होता उसको निकालना। उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेके हर साल रीट लगती है कोर्ट के अंदर, इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि वहां के लोकल लोगों को फेवर किया जाता है। अब सच्चाई इसकी क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी जो LPT होती है वो लोगों को बहुत डराती है। कई बार बच्चे मेंस क्लियर कर देते हैं और LPT के अंदर रह जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख होता है उनको कि इतनी मेहनत करके मेंस निकाला और फिर हमारा LPT रह गया। IBPS क्लर्क और SBA क्लर्क जैसा इसका LPT नहीं होता है। दूसरी इसकी नेगेटिव चीज मैंने आपको बताई कि इसकी जो वैकेंसीज है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम आई है। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसका ट्रेंड हमेशा से यही रहा है कि ये 1 साल छोड़ के आता है, यानी 2 साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। इस बार इसका नोटिफिकेशन 1 साल के अंदर ही वापस आया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी वैकेंसीज हाफ आई है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब 2 साल में नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसीज लगभग वही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले इसका नोटिफिकेशन वापस आया, लेकिन जो टोटल फॉर्म फिलिंग होगी अगर हम उस रेशियो में कंपेयर करें तो वो उतनी ही रहेगी। इसलिए इसका जो कंपटीशन लेवल जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगा आरबी असिस्टेंट का। तो ये भी अपने आप में एक इसकी ऐसी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो इसका कट ऑफ है, कट ऑफ हर बार हमने देखा है कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में इसका कट ऑफ 90+ रहता है। पिछली बार थोड़ा बहुत कम हुआ था क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा था और वैकेंसीज काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि अगर आप IBPS क्लर्क क्लियर कर देते हैं प्रीलिम्स का, या IBPS PO प्रीलिम्स का क्लियर कर देते हैं, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप आरबी असिस्टेंट बहुत आसानी से निकाल देंगे। आपको स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, हर चीज चाहिए इसका कट ऑफ निकालने के लिए। तो इसलिए काफी सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कम वैकेंसी होने के बाद भी हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। साथ ही इसके अंदर एक चीज और है कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रांसफर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी अपने होम स्टेट में। आपका जो इनिशियल 3 से 5 साल का टेन्योर है वो आपको बाहर के स्टेट में गुजारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आरबीआई में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप अपने होम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब नेगेटिव पॉइंट के बावजूद भी आरबीआई की जो जॉब है वो अपने आप में इतनी अच्छी है कि अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो वर्क प्रोफाइल वगैरह है उसको लेके हमने काफी वीडियोस पहले भी बनाए। कंपेरेटिव वीडियोस के अंदर भी मैंने SBA PO का एक वीडियो बनाया था आरबीआई असिस्टेंट के साथ, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसके अंदर भी मैंने इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में काफी आपको समझाया था कि जो कोर बैंकिंग के कंपैरिजन में इनकी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी रहती है। तो इनके पॉजिटिव्स इतने सारे हैं कि उन सब के बावजूद भी आपको इसके अंदर अप्लाई जरूर करना चाहिए, भले ही आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे 2 साल 2 बार आरबी असिस्टेंट देते हैं, 3 बार देते हैं, किसी का 4थी बार में सिलेक्शन होता है। हमने हमारे चैनल पे एक माधव बाबा करके एक इंटरव्यू डाला था एक बच्चे का, उसका सिलेक्शन का आरबीआई असिस्टेंट का लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसकी जो पुराना जो एक्सपीरियंस था, जो उसकी तैयारी थी, वो सारी की सारी तैयारी उसकी आखिरी अटेम्प्ट के अंदर काम आई। इसलिए इसका फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ये जो जॉब है ये बार बार नहीं मिलती है। आरबीआई बहुत कम ऐसा होता है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 1 साल में वापस आ गया, क्योंकि अमूमन इसका नोटिफिकेशन जो होता है वो 2 साल में एक बार आता है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को जरूर भरें।
इस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये तो अपने आप के अंदर है ही, तो अपनी तैयारी का लेवल भी उसी तरीके से रखें। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज गुजराती है मराठी है, तो वो लैंग्वेज जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी के साथ साथ उस लैंग्वेज को भी सीखना कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैंने फिर बोला है मैं डरा नहीं रहा हूं कि इसका LPT निकालना जो है वो अपने आप में डिफिकल्ट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।